हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, फाइनली बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का ऐसे ही बिल्कुल पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये पेपर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेना, और मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं। और मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूं कि आप लोग सामाजिक विज्ञान में 95% फिक्स करके आओगे 100 में, क्योंकि ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए। और हमारा सामाजिक विज्ञान जो पेपर है बिल्कुल ऐसे ही आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद जारी किया है। और आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर पक्का कर सकते हो, ठीक है। और एक बात याद रखना, इस पेपर को हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ हम लोग समझेंगे, पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, ध्यान रखना। तो आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, और आपके पास जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। एंड आपका कुछ सामान्य निर्देश है। पहला है कि प्रारंभ जो आपका प्रश्न पत्र अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तीसरा है यह प्रश्न 2 खंड और 2 भाग में विभाजित है। चौथा है खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना चाहिए या दिया जाना है। और ओएमआर शीट पर किए गए अंकित को आपको आपको प्रश्न को काटना, उसमें इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। खंड 50 अंक का है, वर्णात्मक फर्स्ट वर्णात्मक सेकंड, हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न 2 प्रश्न है, ठीक है। 5-5 अंक के 2 जगह, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। एंड फिर 8वां है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से संलग्न मतलब बांध दें करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा खंड आ, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन भैया बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ना MCQ, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, समझ लो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप अपना एक एक नंबर फिक्स कर लो। पहला, निम्न में से कौन 1885 की वियना संधि से संबंधित है? ऑप्शन है बिस्मार्क या नेपोलियन या ड्यूक मैटरनिक या जोसेफ मैथसनी। तो नेपोलियन जो है वो हमारे संबंधित हैं या फिर हमारे संबंधित है कहाँ से? 1815 की वियना संधि से। अगला है, दूसरा, की सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन आ है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, या सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी संप्रदाय को भी यह समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, हमारा सा वाला ऑप्शन सही है। समझ लो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे डियर स्टूडेंट, कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, क्यों? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंडी के कारण, एन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महामंडी के कारण भैया बहुत ज़्यादा प्राइस गिर गई थी, क्योंकि महामंडी में बहुत सारे गेहूं आ गए थे, बहुत बड़ा मंडी लग गया था जहाँ इतना ज़्यादा हो गया था कि फ्री में कोई नहीं ले रहा था, ठीक है। जैसे जब ज़्यादा कोई चीज़ हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स संस्थान हमारा अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर सरकार, शक्तियों का केंद्रीयकरण, या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा जो कठोर संविधान है, ये भाई संविधान कठोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा संविधान हमारा, तो ये हमारा रॉन्ग है। अगला है हमारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म है, या भाषा है, या और बा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा धर्म भी है भाई सामाजिक विभाजन का कारण, भाषा भी है, तो आ और बा दोनों है, यानी कि धर्म के अनुसार भी सामाजिक विभाजन होता है, भाषा के आधार भी अब होने लगा है, ठीक है। धर्म के आधार पर तो होता ही, ये देखते होंगे। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री तथा पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा आ वाला ऑप्शन सही है, कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, जब समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होगी
तो विभाजन होगा ही, क्योंकि भाई जब अधिकार समान होंगे तो विभाजन नहीं होगा। आठवां है, राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम किस देश से उदय हुआ, जर्मनी या फ्रांस या इटली या ब्रिटेन। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ, कहाँ से हुआ था, फ्रांस से। ये एक एक नंबर बिल्कुल फिक्स कर लो, ऐसा ही आपका पेपर आएगा, ये बोर्ड ने जारी किया है और आप लोग पूरा तैयार कर लेना। तो आठ नंबर क्वेश्चन तक हो गया, अब नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, कैल्विन को, या ज्योतिषी मैथनी को। तो किसको माना है, ज्योतिषी मैथनी को भैया, क्या माना है सबसे खतरनाक दुश्मन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आ और बा दोनों, देखो नागरिक में समानता को बढ़ावा भी देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, व्यक्ति को मोटिवेट करती है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आ और बा दोनों होगा कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी देती है और व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, जो मृदा है वो किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, जैव संसाधन या संभावी संसाधन। तो मृदा जो है वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो मृदा है, मिट्टी है, वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन या के मुख्य कारण क्या है, या भूमि निम्नीकरण, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भूमि संकुचन को भूमि निम्नीकरण भी कहा जाता है। तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण, देखो सब हमारा भूमि निम्नीकरण का कारण है, चार के चारों। बट पंजाब में हमें मेनली बताना है, किसी एक राज्य का नाम है, तो अधिक सिंचाई के कारण भैया पंजाब में ज्यादातर भूमि निम्नीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां शिशुओं का जो मृत्यु दर है, मरने का जो दर है वो न्यूनतम है, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो जो भारत में भैया केरल राज्य में सबसे कम मृत्यु दर है। ठीक है, सबसे कम मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर आ हमारा बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रियाओं के महाप्राकृत, उद्गम का स्वामित्व, किसी उद्गम में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट, उद्गमों का स्वामित्व, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सारा क्लियर कर लेना, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वायरल पेपर है, जिसे हम लोग वायरल पेपर कहते हैं, और वायरल पेपर से आपके क्वेश्चन आते भी हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। ऐसे ही मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं बताया था भाई 90% तक कोई कोई सब्जेक्ट में क्वेश्चन फंसे थे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है तैयार करते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भैया जब भूक्षरण होगा तो भूमि अनुपजाऊ होगा ही, ठीक है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, दामोदर घाटी, महानदी, सोन घाटी या चंबल घाटी। तो गोंडवाना है ना, तो गोंडवाना मैंने मानचित्र में पढ़ा था, गोंडवाना कोयला का जो जमाव है वो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, कहाँ नहीं पाया जाता, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश नहीं, भाई जब मजदूर हैं तो विदेश में कहां बसा पाएंगे, अधिक मजदूरी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिक मजदूरी, ताकि वो अपने काम को कर सकें, अपने घर को चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जब उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं, तो उनको ज्यादा अच्छा होगा और उनको अच्छी फीलिंग आएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उद्योगों का लक्षण नहीं है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार उद्योगों को बढ़ावा देती है या प्रयोग कर सकती है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं अपनी मात्रा में आयातित हैं, विश्व व्यापार संगठन व्यापार को अवरोधकों को बढ़ावा देती है, जो विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार में अवरोधकों को बढ़ावा देती है। सवाल ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। 19 नंबर क्वेश्चन भाई रेड स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कोयला,
आ और बा दोनों भूत आपी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है वो हमारा है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा हमारा 19 का बा वाला ऑप्शन सही है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सारा कंप्लीट करना है, रिक्वेस्ट करो कि आप इन सबको याद करोगे, याद कर लो, ठीक है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक मार्क्स का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत का विदेशी व्यापार के अधिकांश नियंत्रण, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई, या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई, ठीक है। तो ये हमारे भैया 20 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसका आंसर कहां देना है, ओ एम आर सीट में, ठीक है। तो इसका आंसर ओएमआर सीट में देना है। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, अगर 20 में से कोई भी पूछ ले तो आप बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तैयार आपको करना है, मैं तो पढ़ा ही दिया, अब आप लोग इसको नोट करते हो, तैयार करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप लोग अपने भविष्य से खेलोगे, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारा खंड बा शुरू होगा, खंड बा जो कि 50 अंक का रहेगा, इसको आपको एक सुंदर सी कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको इसको लिखना पड़ेगा। ओ एम आर सीट में तो केवल काला करना है, गोला बना रहेगा उसको काला कर देना है, बट इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है। तो ये खंड बा में आप लोगों को कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले वर्णात्मक फर्स्ट, उत्तर लगभग 80 शब्दों में, ठीक है, 80 शब्दों में। तो पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए। भैया महामंडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में भी और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी है। महामंडी का कारण पूछा गया है, महामंडी के रीजन, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि तैयार कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो अथवा आप इसको कर सकते हो कि 1928-1934 के मध्य होने वाले महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए, 4 मार्क्स। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, और एक करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है भाई। आप सामाजिक विज्ञान में ये याद रखना कि खाली पेज मत छोड़ कर आना, जैसे मान लो आपको कॉपी दी जाएगा तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल के और आप लिखो ना आए फिर भी लिखो। महामंडी का मतलब है मंडी, मंडी का मतलब है उसमें अनाज पाए जाते हैं, गेहूं का ज़्यादा, तो लिखो यार बहुत सारे गेहूं थे, बहुत सारी मात्रा में आई, लोग खरीदने वाले नहीं थे, और ऐसे ऐसे आप बना के लिखो, लिखते जाओ आपको एग्जाम नंबर दे देगा, ठीक है। नहीं आता फिर भी लिखो, सोशल साइंस बहुत आसान है, आप देखना नहीं आता तो भी लिख दोगे, सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आओगे, मैंने देखा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर मिल जाएगा। अगला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, 4 नंबर का। अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। तो इन दोनों में से कोई एक करोगे, 4 नंबर मिल जाएगा, मतलब आपका 8 नंबर फिक्स हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड से। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ यहाँ, कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का। अब ये नहीं आता तो आ जाओ नीचे देखते हैं, अथवा लगा हुआ है, अथवा आप इसको करो, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा अथवा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क उत्तर दीजिए। तो अब इन दोनों में से कोई एक करना है, इसको मैंने पढ़ा रखा है, परिवहन जो है, परिवहन अब किसको नहीं पता परिवहन और संचार के बारे में, परिवहन का मतलब आने जाने वाला, संचार का मतलब जो खबर सुनते हो बस। तो मतलब इतना आसान आसान है कि सोशल साइंस तो हमें बहुत आसान लगता है, अगर आपको नहीं आता फिर भी लिख दोगे, बना के लिख दो, सोशल साइंस में याद कौन करता है, हमें ये बताओ, याद कोई नहीं करता, सोशल साइंस में चीज़ों को बनाकर ही लिखा जाता है भाई, 2-2, 3-3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं याद कर पाता, सभी का माइंड एक जैसा होता है, बट कोई जल्दी याद करता है तो भी वो भी भूलता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भूलता, वो भी भूलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। ये भी 4 मार्क्स का हमारा है माय डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा 40 मार्क्स का है। तो मतलब अगर आप इसका आंसर लिखते हो तो भी आपको 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है।
अथवा आप लोग इसको कर सकते हो, देखो अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। जो अच्छे बाजार होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उनकी आपको विवेचना करनी है, यानी कि चार नंबर मिल जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक करोगे आपको चार नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है। अच्छे बाजार, बाजार का मतलब क्या होता है, सामान को जहाँ से लाया जाता है वही तो बाजार होता है, जहाँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो वही तो बाजार होता है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें चार चार नंबर के चार क्वेश्चन मिले, यानी कि 4 4 4 = 16 नंबर के, ठीक है। अभी और भी हैं। अब हमारे शुरू होते हैं 150 शब्द में लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, 6 6 नंबर के, ठीक है। सारे से रहेंगे, भूगोल से, इतिहास से, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे से हैं। तो पांचवा देखो, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और उन्होंने क्यों स्थगित किया, मतलब क्यों बंद किया। ये 6 नंबर मिल जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, उसके क्या कारण थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया, मतलब क्यों बंद किया, क्यों स्थगित किया, क्यों रोक दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप तैयार कर लो। तैयार कर लोगे अगर, हाँ एक बात है, अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, जितने भी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मानचित्र संबंधित प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, आर्ट का, सारे का हमें नोट्स, वीडियो सब कुछ कहाँ मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, वायरल पेपर सब कुछ। तो वो आपको मिलेगा हमारे सरवन लेक्चरर ऐप में। पहले आप सरवन लेक्चरर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ से क्रैश कोर्स जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। 9918863196 पर एक बार कॉल कर लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और बहुत कम ही फीस में आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्लास भी दिया जाएगा शाम को, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो। जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है ज्वाइन कर लो, आपको इन सब का सोल्यूशन भी वहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा, यूट्यूब पर भी कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मैं आपको कॉपी में लिख कर पूरा सोल्यूशन समझाऊंगा, बट ये आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयारी कराया जाएगा। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी ने क्या विचार दिए थे, 6 नंबर का। आप देखो 6वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं चार कदमों का उल्लेख करो। जो लोकतांत्रिक सुधार है उसका अर्थ बताना है और इसके लिए उठाए जाने वाले चार कदमों का अच्छे से उल्लेख करना है। अब 8वां, वैध शासन का क्या अर्थ है, वैध शासन का क्या अर्थ है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध सरकार का गठन करता है, जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये भी 6 मार्क्स का है। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करो, ये भी 6 मार्क्स का है। अगर ये नहीं आता तो आ जाओ इसको देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इस अनाज के पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो, 6 नंबर का। मतलब दोनों में से कोई एक करना है, आपके पास ऑप्शंस हैं, नहीं आता तो दो में से कोई एक ही करना रहता है। जैसे आपका ये नहीं आता, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव भी शिकार हैं, क्या आप इस पर कथन सहमत हैं या नहीं, ये 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो इसको करो, मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन करो, 6 नंबर का। दोनों में से कोई एक ही करना है, हर एक में से दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे हमारे क्वेश्चन है मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है। देखो 9 नंबर का है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में डॉट से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम पर आधा अंक और सही, आप लोग जैसे नाम लिखोगे तो आधा अंक मिल जाएगा। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर में, तो आधा नंबर, और मानचित्र में अमृतसर सही भरोगे तो आधा नंबर, तब दोनों मिलाकर एक नंबर मिलेगा। तो पहला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सारा मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में मानचित्र में भरकर। वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन या नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया। अभी मैं आपको बताता हूँ आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा पेपर आएगा,
वह स्थान जहां सूती मिल सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये 5 अंक का रहेगा। सेम यही है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, बस मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है और केवल प्रश्न का उत्तर ही लिखना है। सेम क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, गांधी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, नील की खेती किसान के लिए आंदोलन कहाँ, सूती मिल वस्त्र उद्योग सत्याग्रह, सेम ही क्वेश्चन है सारे। तो ये आपका अभी हमारे और भी हैं भाई भूगोल से, देखो यहाँ ये वाला, इसका भी आप लोग अलग अलग चिन्ह है, जैसे पश्चिम बंगाल का उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, एक नंबर का नर्मदा नदी आप लोग इस नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, एक नंबर महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, एक नंबर झारखंड का एक स्थान ये चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये डेल्टा चिन्ह है। और फिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन ये आयत बनाना चिन्ह सहित नाम सहित, एक नंबर। सेम वही है मानचित्र का प्रयोग भैया दृष्टि बाधित बच्चों को नहीं करना है, 5 नंबर का ये, यानी कि 10 नंबर के आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे आएगा आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगर आपको भैया श्रवण लेक्चर ऐप को डाउनलोड किया, क्रेस कोर्स को ज्वाइन करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना 9918863196 पर, मैं आप लोगों को ज्वाइन करना बता दूंगा कैसे क्रेस कोर्स ज्वाइन करना है। वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस सारा कुछ का नोट्स वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर गेस्ट पेपर सब कुछ दिया जाएगा। तो जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, बहुत ही मिनिमम फीस है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सारे सुने लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।